हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक लाइन खींच लूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जर्नल एंट्रीज इसकी कैसे होंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शेयर्स पब्लिक कंपनी इशू करती है, जो कि इंस्टॉलमेंट में इशू करा जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन मनी, दूसरी को अलॉटमेंट, और उसके बाद जितनी भी होती है उसको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल कहते हैं। तो पिछला हमारा सारा रिवाइज हो चुका है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बताऊँ तो जो फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करेंगे, तो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी ऐसे कुछ। अब एक कंपनी है, यहाँ पर मैं डायग्राम से सिखाऊंगा आपको। अब एक कंपनी है और एक इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल सोच रहा है बाय शेयर्स। इसके दिमाग में ख्याल आया कि इस कंपनी के ये शेयर्स हैं, इसे खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले ये अप्रोच करेगा कंपनी को कि मेरे को आपके शेयर्स ख़रीदनी है। और मान लिया ये शेयर है 100 रुपये का, जिसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है 20 रुपये, 20 रुपये और 60 रुपये, ठीक है। तो ये जाएगा सबसे पहले कंपनी के पास, तो कंपनी बोलेगी कि हाँ हम दे देंगे शेयर, सबसे पहले आप 20 रुपये दे दो हमें इंस्टॉलमेंट में। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसे 20 रुपये दे देगा कंपनी को, और कंपनी इसे बदले में क्या दे देगी, शेयर अलॉट करेगी। और अलॉट नहीं करेगी ये, इसे एक एप्लीकेशन इसकी एक्सेप्ट करेगी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, अब मेन जो बात है वो ये है, यू आर कंपनी, यानी कि अपने आप को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलना है और उस हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के पास पैसे आएंगे, तो कंपनी के पास पैसे आएंगे तो बैंक होगा डेबिट, जब भी आता है तो वो डेबिट होता है। और उसके बाद क्रेडिट हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्यों करा, अब जो भी लोग आ रहे होंगे, सिर्फ ये बंदा थोड़ा ना होगा, और भी होंगे जो कि खरीदने आ रहे होंगे, तो उन सब का जो भी एप्लीकेशन वो देते जाएंगे वो सारा इस अकाउंट में डलता जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे शेयर एप्लीकेशन से कितने पैसे आए हैं। उसके बाद अब एक पर्टिकुलर, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग में देखा था कि कैपिटल होती है, तो वो एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की होती है, ठीक है। अब जो यहाँ पर कैपिटल होती है कंपनी में, उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। और ये शेयर कैपिटल की जो फंडिंग होती है वो कहीं से नहीं, सीधा पब्लिक से होती है। तो अब यही पैसा कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो जो पैसा इसमें पड़ा हुआ है वो अब कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। उसे भेजने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो ये हमारी इतनी एंट्री हैं ये पूरी किसकी हैं, एप्लीकेशन की। कोई भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिलती है तो वो ये दो एंट्री करती है, सबसे पहले किसकी, रिसीविंग की। ये होती है रिसीविंग की, हमारे बैंक में पैसे आ गए और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, हमें पैसे रिसीव हो गए। उसके बाद जो भी पैसे रिसीव हुए हम उसे एक पर्टिकुलर शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, तो ये होती है ट्रांसफ़र की एंट्री, ठीक है। सबसे पहले रिसीविंग, फिर ट्रांसफ़र। अब बात आती है सेकंड एंट्री, वो मैं यहाँ बताऊँगा। अब एक महीने बाद कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उसने बोला कि भाई अब ले आओ तुम पैसे 20 रुपये। तो ये जो सेकंड होगी इसे क्या बोलेंगे हम, अलॉटमेंट। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमें ये तो पता लग गया यहाँ पर कि कौन कौन हमारे शेयर में इंटरेस्टेड है। तो अब कंपनी को जब पता लग गया तो उनके पास एक मैसेज भेजेगी कि भाई अब मेरे को 20 रुपये की ज़रूरत है, मेरे को 20 रुपये दे दो। तो सबसे पहले कंपनी अपने पास से ड्यू कर लेती है, यानी कि आपने सुना होगा आउटस्टैंडिंग,
कि ये पैसे हमें मिलने वाले हैं और ये लोग जिन्होंने भी हमारे शेयर खरीदे थे ये पैसे हमें देंगे, तो ड्यू कर लेती है सबसे पहले एंट्री। तो सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री होती है? ड्यू की। तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं है, अभी बताता हूँ क्या हुआ। ये और ये एंट्री और इस एंट्री में क्या फ़र्क है? बस ये है, यहाँ एप्लीकेशन है, यहाँ अलॉटमेंट है, और यहाँ हम इस एंट्री को सेकेंड टाइम पे करते हैं, यहाँ हम इसे फर्स्ट टाइम पे कर देते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर हमें पहले रिसीव हुआ है फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब हम यहाँ पहले अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो हम उन अमाउंट को पहले हम अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब रिसीव बाद में होगा। तो रिसीव होगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये होती है बेसिक एंट्री। अब ये जो पूरी एंट्री है, ये पूरी की पूरी, ये किस चीज़ की है? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कभी भी होगी तो ये दो एंट्री बनेंगी। अब देखो इसे याद करने का तरीका। सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ये दो एंट्री मेन है। तुम्हें रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अब उसे ट्रांसफ़र करना है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब इसी एंट्री से ये एंट्री बनेगी। हमें पहले रिसीव हुआ था फिर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इस केस में हमें रिसीव नहीं होता, इस केस में हम पहले ड्यू करते हैं। तो ड्यू में ये वाली एंट्री, सेकेंड वाली एंट्री पहली होती है, और उसमें नाम चेंज हो जाएगा क्या? अलॉटमेंट, और रिसीव होता है बाद में। तो ये होती है इसकी याद करने की ट्रिक। अब बारी आती है अगर इसके बाद भी कोई कॉल्स है, यानी कि हमने 20 रुपये यहाँ ले लिए थे, 20 रुपये यहाँ ले लिए, अब बच रहे हैं कितने? 60 रुपये। तो अब इन 60 रुपये को कंपनी डिसाइड करती है कि फर्स्ट कॉल में ले लेते हैं सारे के सारे। तो अब फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? कुछ नहीं है, बिल्कुल इसी के सिमिलर है, अभी करके दिखा देता हूँ। सात मिनट है ना, काफ़ी है। तो अब अगर कंपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री करेगी तो फर्स्ट कॉल हमारी ऐसे होती है, और ये फर्स्ट कॉल में यहाँ पर ऐसे वन बना के फर्स्ट लिख रहा हूँ, आपको फर्स्ट ऐसे लिखना है पूरा प्रॉपर, और एंट्री करने में कोई कंजूसी मत करना, एंट्री प्रॉपर करना। यूनिक बी अकाउंट डेबिट, बैंक को तुम बी लिख रहे हो, शेयर एप्लीकेशन को ऐसे लिख रहे हो, नहीं, आपको प्रॉपर पूरा लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे वरना नंबर कट जाएंगे। अब फर्स्ट कॉल पे हमें 60 रुपये मंगाने हैं, तो अब हम क्या करेंगे इसमें भी? सबसे मैं एक बात बता दूं कि जो एप्लीकेशन की मनी होती है वही सबसे पहले रिसीव होती है, उसके बाद जितनी भी होंगी, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सब में क्या होता है? ड्यू होता है। कितना ही चलता जाए वो क्या होगा? ड्यू होगा। तो इस केस में भी जैसे हमने पहले अलॉटमेंट में पढ़ा था, इसमें भी हम पहले क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। तो ड्यू कैसे होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी ड्यू की एंट्री, यानी कि हमने पहले ही मान लिया कि हमें पैसे मिल जाएंगे, वो भी शेयर फर्स्ट कॉल से। अब बात आती है रिसीविंग की, जब पब्लिक हमें एक्चुअल में पैसे देगी तो हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा, और जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी रिसीविंग की एंट्री। अगर यहाँ पर सेकंड कॉल भी आती है तो कुछ नहीं करना, इस नाम को चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है? तो ये था भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब एक क्वेश्चन की वीडियो में पर्टिकुलर बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इशू करने का, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, ये एंट्रीज आप याद कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे की वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू, पीस आउट।